यो विश्वात्मा पृथ्वीविषयान् राष्ट्रभोगान् सदिष्टान् अस्वाचम्यान् स्वमतिविवान् ज्योतिषास्वेन सूक्ष्मान् सर्वानेतान् पुनरपि शनैः स्वात्मने स्थापयित्वा सर्वान् विशेषान् विगतभुवनम् आत्मसौ नास्त्रीय प्रज्ञानां सुप्रतारैः स्थिरचरकरा व्याप्यभिर्व्याप्य लोकान् भोक्ता ईशानोद्भाषितान् कामजन्यान् कृत्वा सर्वान् विशेषान् स्वपि अधुरवम् मायया सोचयन्नो माया सङ्ख्यातुरीयं परममृतमजं ब्रह्मयत्नम् सारा संसार में जो कुछ दिखाई दे रहा है वो आत्मा ही है।
विकल्प अपूर्व अनपर अनंतर अभाई आत्मा का स्वरूप कैसे है, उसका आगे भी कोई नहीं है, पीछे भी कोई नहीं है, उसमें कोई भेद नहीं है, वो अभाई अंतर कुछ भी भेद नहीं है, मतलब कारण रूप भी नहीं है, कार्य रूप भी नहीं है, और उसमें जो है प्रत्येक रूप होकर के वो बैठा हुआ स्वरूप होकर के बैठा हुआ। सब बाह्य अभ्यंतर भी जो भेद जो है वो बाहर अभ्यंतर सब एक ही वस्तु विद्यमान है और होते हुए तो जन्म रहित है। उसके बाद बोलते अजर अमर अमृत अभय। अजर मतलब क्या होता है, उसमें जरा नहीं है, जरा नहीं है तो क्या हो जाएगा, मृत्यु भी नहीं है। तो यहाँ पर ठीक है अजर अमर भी अमृत क्यों बोला, अमृत क्या काम करता है, अमृत तो क्या काम करता है, जिसको पीने से वो अमर हो जाता है, ये आत्मा के संस्पर्श से आने से वो अमर हो जाता है। मतलब आपने को जान लिए जो अजर अमर बोला ना, अजर अमर बोला, फिर आप अजर अमर बोल करके तो समाप्त कर सकते हो, क्योंकि आपने बोलते केवल इतना ही नहीं, आत्मा के संस्पर्श मात्र से वो वस्तु अमर हो जाता है, अमृत हो जाता है, मतलब जन्म मृत्यु के बंधन से छूट जाते हैं। फिर अब जब जन्म मृत्यु के भय भय नहीं रहेगा तो फिर किसके डर हो गया, इसीलिए अभय वही जन को प्राप्त है ना, भय रहित हो जाते हैं। द्वितीय वही भयन भगवती भेद चला गया तो बस आपको फिर कोई डर नहीं रहना, वो अभय प्राप्त प्राप्त करते हैं। क्यों, क्योंकि आपके एक एक अद्वय, क्योंकि सजातीय विजातीय स्वगत भेद से भी अकेला ही है। इसलिए हमें डर रहता है कि हाथ ना टूट जाए, पैर ना टूट जाए, विमान ना पड़े, सब जो है अवयव तो विश्लेष होने से वो डर रहता है। जब हमको निश्चय हो जाता है मैं तो अवयव रहित पूर्ण व्यापक तत्व हूँ तो किसी भी प्रकार का डर नहीं होता। इसको लेकर के देखिए टीकाकर इसका अर्थ लिख रहे थे, कल इसको हमने पढ़ लिए थे यहाँ तक कि बस पहले आया था इस यहाँ से अनंतर अवैध को लेकर के बोला था पूर्व भाविना कारणेन संस्पर्श शून्य अपूर्व, ठीक है ना, पूर्व कार्य के पूर्व भाव काल के विद्यमान रहते हैं जो कारण, उसके साथ इसका संस्पर्श शून्य, मतलब ये ना इसका ये संस्पर्श शून्य, इसको भर करके हमको लगा कि अमृत मतलब क्या बोलना है कि इसके संस्पर्श से सब अमर होता है, अमर बोलने के बाद। इसीलिए आगे जो भी कुछ हमको मिलता है ना पुस्तक से मिलता है, और थॉट फ्लो कैसे करेंगे इसको, ये दोनों शब्दों को क्या बोला, संस्पर्श शून्य अपूर्व पश्चात भाविना कार्य न संबंध विदुर अनपर अंतर मतलब छिद्रम तत्शून्यम, कोई छिद्र नहीं है बीच में, अनंत है। क्यों क्या है तब, मतलब जैसे हम लोग जानते हैं वैज्ञानिक लोग बोलते हैं कितना ठोस वस्तु दिखाई दे रहा है परंतु कितना इसके अंदर छिद्र है, इसके अंदर इंटरमोलिकुलर स्पेस रूप में जैसा देखिए कितना स्पेस है, एक इलेक्ट्रॉन के अंदर जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन लगते हैं कुछ नहीं है परंतु उसमें देखो कितना घूमते रहे, सर्किल बना ऑर्बिट बना हुआ है उसमें घूम रहे, कितना स्पेस है उसमें, परंतु ये सब उस छोटी चीज के अंदर भी उसको स्थान को स्पेस को सत्ता स्फूर्ति प्रदान करने के लिए उसके अंदर भी इतना माना, जिसके अंदर कोई भी छेद नहीं है छिद्र नहीं है वो हो गया अंतर। इसलिए अभी बोलते हैं तत्शून्य अनंतर तब है कि हमारे चित्त एक रस तस्य एव प्रत्यक्त हमारे चैतन्य की एक रस ना वही सबका स्वरूप भूत होकर के बैठा हुआ, इसलिए बोला अवाह्य कार्य कारणम अस्पिष्टम उभय कल्पना अधिष्ठान तेन तत् अर्थांतर तरी स्वाह्य अभ्यंतर होता है। कार्य कारण दोनों के साथ इसका कोई संबंध नहीं है परंतु दोनों कल्पना के अधिष्ठान है, कार्य कारण भी कल्पना के अधिष्ठान है तेन तत् अर्थांतरत्व, इसलिए उसका अधिष्ठान होने के कारण उससे विलक्षण वस्तु है, उस कार्य कारण भाव से विलक्षण है, इसलिए हमें कहते हैं स्वाह्य अभ्यंतर अधिमुंड को प्रणत हो गया। आगे जो अजर अमर अमृत तीन विशेषण है ना, अगर फिर आगे दिए अभय विशेषण त्रय कौटस्थ व्यवस्थापनार्थम अजर अमर और अमृत है कूटस्थ नित्य वस्तु है, कोई विकार नहीं है, परिणाम नित्य नहीं है, कोई विकार नहीं है, वहाँ उसने बोलते हैं विशेषण त्रय, कौन विशेषण त्रय अजर अमर अमृत ये तीन विशेषण, ठीक है ना, ये बोलते हैं कौटस्थ व्यवस्थापनार्थम आत्मा कूटस्थ नित्य वस्तु है उसको समझाने के लिए, जो एंड मतलब जिसमें कोई परिवर्तन नहीं है कूटस्थ, दो प्रकार के बोलते हैं कूट शब्द अर्थ माया भी होता है कुटिल भी होता है, तो अब जो है माया तो कुट है ही एकदम कूटस्थ और माया के ऊपर बैठा हुआ एक, और कूटस्थ मतलब क्या होता है एनविल को भी बोलते हैं, जो ब्लैक स्मिथ के घर में जो बड़ा लोहा होता है उस बार लोहा के माथ में थोड़ा सा आपका टिपा रहता है तो उसके ऊपर हैमरिंग करके वस्तु को शेप देते हैं, उसके ऊपर कुछ भी कर दे उस लोहे के एनविल कुछ नहीं होता,
वो अपुटस्थ उसके उसके ऊपर सारा जन्म मृत्यु जला गया थी अब कार्यक्रम भाव लीला तो उसी के ऊपर चल रहा था, तो अपने आप में कोई विकार परिणाम नहीं है। इसलिए आप बोलते हैं कि कूटस्थ नित्य अवस्था कूटस्थ व्यवस्था उसको व्यवस्थित करने के लिए जन्मादि संबंध अभावी कारणम अविद्या संबंध राहितम दर्शित आपको अब तो क्या बोला कि क्षय भाव विकार इसमें नहीं है, जायते अस्थि बढ़ते विपन्नता नश्यते क्षय भाव विकार इसमें नहीं होने के कारण जन्मादि संबंध के साथ संबंध का अभाव होने से वो जो उसका कारण क्या था अविद्या वो कारणम अविद्या उसके साथ संबंध राहितम एक अविद्या के कार्य जो भी जन्म दिए जन्म भी नहीं है मतलब अविद्या भी नहीं है मान इसलिए बोलते हैं कितना नंबर एक नंबर टिप्पणी देखता हूँ तो कारणम अविद्या संबंध राहितम दर्शयति किस पद के द्वारा अभयम अभय एक एव अद्वय न वो अगर अभय है वो भय रहित पद है इसीलिए आपके भय का भय अज्ञान से ही भय होती है। यदि हम जान जाते हैं वहाँ पे वो है तब हमारा डर नहीं है, जब तक नहीं जानते मैं जाने क्या होगा क्या अनसर्टेड हुआ हमारे अंदर एक फियर उत्पन्न करते हैं, इसीलिए बोलते हैं कि आप जो है अज्ञान चला गया तो कोई भय नहीं है उसमें। वहाँ पे एक नंबर टिप्पणी बोलते हैं विशेषण त्रय को कष्ट व्यवस्थापनात्म वो विशेषण का कौन है और जो अजर अमर अमृत ना वो टिप्पणी कर बोलते हैं अजर आदि विशेषण हो गया। फिर जो आगे और बोलते हैं खलु अविद्या तत्र कारण तेना संबंध संबंधम अनुभवती देखो भाई इसके प्रत्येक व्यक्ति को पूछ करके देखो वो जिसको दुख के कारण आप समझता व्यक्ति समझते हैं कि दुखी क्यों हो रहा है आपने को नहीं समझने के कारण और आपने को बोलता भी मैं तो अपने को नहीं जानता हूँ मैं भगवान को नहीं दर्शन किया भगवान पर इसी के डर के मारे उसका इसलिए होता है खलु अविद्या तत्र कारण तेरे संबंध हमें तो लगता है कि मेरे साथ तो अपने को जानते हो तो नहीं जानते नहीं तो मैं तो अज्ञानी जीव तो हमारे साथ आत्मा के साथ अज्ञान का संबंध हुआ हाँ वो हमारे मतलब सिद्धांत वाक्य ये है खर वो ऐसे बोलते हैं कि आत्मा के साथ डिस्कस नहीं होंगे। और दूसरी बात क्या है आप बताओ आपके पास दो ही वस्तु हैं एक आत्मा और अनात्मा दो वस्तु हैं अभी तक कहाँ गए अनात्मा में वही तो है आपके अविद्या अच्छा ये जो अनात्मा वस्तु आया वो कहाँ से आया ना ना वो किस कारण से आया अज्ञान से मतलब अविद्या पहले है और आपका अनात्मा बाद में है। आप बताओ जो अनात्मा मतलब जो अविद्या के कारण पैदा हुआ वो अविद्या का आश्रय कैसे बन सकता है ठीक है ना वो अविद्या का आश्रय कैसे बन सकता है बिल्कुल फंडामेंटल टर्म से फिर अविद्या यदि अविद्या में रहेगा तो क्या विशेष आधान करेगा तो अविद्या ही अविद्या कोटि है मतलब अविद्या यदि विद्या में रहता है तब क्या होता है विद्या को ठहरता है और फिर वहाँ पे ज्ञान होने पर अविद्या मिटती भी है। अविद्या जब अविद्या में ही रहेगा तो कोई विशेष आधार नहीं होगा और ज्ञान का भी कोई उपयोगिता नहीं होगी तो अविद्या अविद्या स्वरूप भी रह जाएगा। विद्या आत्मा में ज्ञान स्वरूप आत्मा में अविद्या के आवरण के कारण उस ज्ञान की उपयोगिता है वहाँ पे अविद्या मिट जाता है तो अपने स्वरूप का प्रकाश हो जाता है इसीलिए। और दूसरी बात क्या है कि ये जो क्योंकि अज्ञान आत्मा में शुद्ध चेतन में जिस प्रकार कि सूरज में बादल जो है सूरज के ढकते हैं तो सूरज को नहीं ढकता मतलब आँख को ढकते हैं यहाँ भी आत्मा को नहीं ढका ढका किस हमारी बुद्धि को तो इस प्रकार से हमेशा इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। लोग बोले कि सूर्य में अंधेरा कैसे रहेगा बोलते अभी पता नहीं लेकिन ज्ञान होने से पता लगेगा कि किसी समय भी नहीं था सूर्य को बादल ढकता कि नहीं ढकता सभी व्यक्ति बोलते जानकार व्यक्ति ही बोलता देखो आज बादल ने पूरा सूर्य को ढक दिया। अरे बादल जो दिखाई दे रहा है वो सूर्य के कारण ही दिखाई दे रहा है तो ढका कैसे उसको परंतु ऐसा हमारे कंसेप्ट ऐसे ही है। ये अविद्या समझ में आ रहा है कैसे समझ में आ रहा है ज्ञान स्वरूप मैं हूँ तभी अविद्या समझ में आ रहा है नहीं तो समझ में कैसे आता। इसलिए आत्मा के आश्रय में रहने तो कोई फर्क नहीं पड़ता कल्पना ही न खरू यहाँ पे अविद्या तत्र कारण तेरा संबंध अनुभवती ज्ञान होने के बाद अविद्या के साथ हमारा संबंध इस प्रकार अनुभव नहीं होता सभी व्यक्ति मानते हैं परंतु वास्तविक आत्मा के साथ अविद्या का संबंध नहीं है। तस्य पूर्णत्वेन कारण अनपेक्षत्वा इति आहति इसलिए वो जो भी कुछ है वो अकेला ही है वो सृष्टि करने के लिए आगे सब एक एक करके बोलने का सृष्टि की प्रक्रिया यदि किसी को सहारा लेकर के भगवान को सृष्टि करना होता तब क्या होता भगवान में परतंत्रता जो ईश्वर
ईश्वर की मर्यादा को रक्षा करना चाहते हैं और कहते हैं कि ईश्वर ने उसके सहारे इसके सहारे इसके सहारे बनाया, तो ईश्वर की मर्यादित हुआ कम मर्यादित हुआ? माया का सहारे नहीं बनते, माया ही तो ही तो अज्ञान हम बोलते हैं, उसी को हम अज्ञान बोलते हैं कि मतलब आपने उस तत्व को जाना नहीं, उसी ने सारा कल्पना कर लिया। इसलिए बोलते अपनी पूर्णत्व को समझ जाने पर फिर ये मतलब कोई शंका ही नहीं रह जाता कि कुछ को लेकर के चल रहे हैं अपने से। क्या बोलता है निश्चित आयाम जैसा रज्जु विकल्प विनिवर्तन है रज्जु ए वही अद्वैतम तद्वत आत्मविनिश्चय, आत्मा निश्चय होने पर अपनी पूर्णता की बुद्ध होने पर कुछ भी यहाँ पे जो है द्वैत आत्मा वस्तु शब्द तो नहीं दिखाई पड़ते। तस्व पूर्णत्व तस्व आत्मा का पूर्णत्व न कारण अनपेक्षा वो किसी की अपेक्षा नहीं है, कुछ भी करने के लिए किसी का अपेक्षा अकेला ही पूर्ण है। इसीलिए आपको बोलता है एक एव अद्वय है ना, एक मतलब सजातीय विजातीय सगत भिक्ष रहित है द्वैत। आप देखिए यहाँ पे द्वैत अद्वैत दोनों के व्यापृत कर रहे हैं, आत्मा द्वैत है कि अद्वैत है? पंचीय शब्द भी प्रयोग नहीं होता, इसीलिए आप बोलते हैं द्वैत अद्वैत व्यापृति अर्थम अवधारणा मतलब ये वो कर दिया ना। एक भगवान भाष्यकार आपने ये दश श्लोकी श्लोक से नाम सुना दश श्लोक जिसको मधुसूदन चक्र सिद्धांत भी लास्ट में लिखते हैं न किंचित मद अन्न न किंचित मद अन्न द्वितीयम कुतस्पात् न च केवलम न च केवलत्वम न शून्यम न चाशून्यम अद्वैतकत्वात् कथम सर्ववेदांत सिद्धं ब्रवीमि। अपने आप बोल रही वेदांत से सिद्ध कैसे बोलूँ जो सब सिद्ध वस्तु है, तो ये तो अद्वैत कोई न शून्यम न चाशून्यम, शून्य भी नहीं बोला जाता अशून्य भी नहीं बोला जाता, केवल भी नहीं बोला जाता अकेवल की कुछ कर शब्द प्रयोग लास्ट में लिखते हैं न किंचित मद अन्य मुझसे भिन्न करके संसार में कुछ भी नहीं। द्वितीय कुतस्थ अद्वैत कहाँ से आएगा न चके न किंचित मदन्नम द्वितीयम कुतस्पात् न च केवलम न च केवलत्वम वो केवल अकेवल किसी भी रूप में उसको बोल रहे हैं न शून्यम न चाशून्यम, शून्य अशून्य कुछ भी नहीं बोला जाता। इतना भी देखो इतना लिखने के बाद भी कैसे कथम सर्व वेदांत शुद्धम रवि भी कैसे मैं कहूँ कि अद्वैत वेदांत शुद्ध किया, अपने आप बोल रहे कि सब शुद्ध वस्तु है अपने आप अंदर से शुद्ध का नाश रोक कथम सर्व वेदांत शुद्धम। दिखाते लास्ट में क्या बोलता है कि इसको अद्वैत वेदांत सिद्धांत ये भी हम नहीं बोल सकते, इतना लिखने वाले भी बोलते बस ऐसा शुद्ध वस्तु अनुभव में से बड़ी पता लगता है। इसलिए हम बोलते हैं कि द्वैत अद्वैत व्यावृत्ति अर्थ में द्वैत अद्वैत दोनों को हटाने के लिए अवधारण कौन अवधारण एव अभय एव अद्वय द्वैत अद्वैत व्यावृत्ति अर्थम अवधारण दो नंबर टिप्पणी देखो है ना द्वैत अद्वैत अद्वैत मतलब द्वैत अभाव स्वपिना तत्व स्वरूप अतिरिक्त इति भाव द्वैत का अभाव क्या है स्वरूप भिन्न कुछ नहीं है वहाँ स्वरूप इसलिए यहाँ पे है ही नहीं है दोनों ही नहीं बोला जाता है ही नहीं है दोनों बोलने के लिए विषय बनना पड़ेगा। जैसे मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे घरा नहीं है मतलब क्या है मतलब अभाव भी हमको विषय पड़ेगा अभाव तो विषय नहीं होता तो अंदर से जिस वस्तु वास्तविक हमको अनुपलब्धि प्रमाण के सहारे बोलते हैं ना जिस वस्तु का प्रतियोगी का ज्ञान होना चाहिए तब जाकर उसका अभाव होता है उसका ज्ञान होना संभव नहीं है। इसीलिए हमने ज्ञान अभाव अथवा द्वैत अद्वैत दोनों शब्दों के शाब्दिक रूप में हम प्रयोग नहीं कर सकते। द्वैत अद्वैत मतलब द्वैत अभाव स्वर बिना तत्व स्वरूप अति द्वैत का अभाव जो है क्या हो गया स्वरूप से अतिरिक्त नहीं है जिस पर वहाँ पर रज्जु के ऊपर सर्प दिखाई दे रहा था वो रज्जु के ऊपर है इस प्रकार से प्रतीति होने पर भी वो रज्जु भिन्न कुछ नहीं। इसी प्रकार से सारा संसार में जो भी नाम रूप अर्थ की आधिकारिता आत्मा विषय वस्तु दिखाई पड़ रहा है वो आत्मा भिन्न और कुछ नहीं शुद्ध आत्मा मात्र ही हो इसलिए बोलते हैं उसका अतिरिक्त शरीरपति की भाव इस अंदर भाव है मैनु अविद्या निराश्रय तो अनुपगत्य हाँ किसी न किसी का आश्रय में रहना पड़ेगा अविद्या ये तो काम किसी क्योंकि अवस्तु है ना वो तो कहीं ना कहीं आश्रय में होता सर्प को रज्जु के ऊपर दिखाई दे रहा है सर्प का कोई ना कोई आश्रय चाहिए
है ना, सुषुप्ति का आपको दिखाई दे रहा है जो चांदी, वो चांदी का कोई द्रव्य आश्रय चाहिए, भ्रांति कल्पित है, परंतु आश्रय के बिना, अधिष्ठान के बिना भ्रांति नहीं होती। इसलिए बोलते हैं कि ननु अविद्याया, आप जो बोला वो तो स्वरूपभूत है, अभी संकट अन्य ननु अविद्याया निराश्रय तो अनुपत्त, अविद्या तो कहने का आश्रय मिलेगा, वो कहाँ आत्मा के आश्रय मिलेगा, मैं बोलने में कोई घबराहट भी नहीं है, अपने को नहीं जानता है, अपने अनुभव में आ रहा है कि मैं अपने को पूर्ण तक व्यापक तो मैं नहीं जानता, अनुभव नहीं किया अभी तक, इसलिए आत्मा अपने आश्रय में रहेगा, आत्मा का क्योंकि अनात्मा का आश्रय में तो रह नहीं सकता अभी तक, क्योंकि वो पश्चात भावी है और आत्मा जो है हमेशा ही है, इसलिए हमको ही पे मानना पड़ेगा, दूसरा बाद में होने वाला, बाद में होने वाला, क्योंकि अज्ञान के कारण अनात्मा वस्तु दिखाई पड़ते हैं, तो अनात्मा अविद्या का आश्रय कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता। इसी को लेकर के बोलते हैं ननु अविद्याया निराश्रयत्व अनुपपत्ति, आश्रय अंतर सच असत्ता, दूसरा कोई तुम्हारे पास वही तो वस्तु है, आत्मा और अनात्मा है कि नहीं, तो जब अनात्मा में नहीं रह सकते तो एक ही तो बचा परिशेष में आत्मा भी रहेगा क्या, इस राष्ट्रीय अंतर सत्ता तत्रैव सा प्रविशति इति चेत, अब जो है रज्जु के ऊपर दिखाई दे रहा है सर को, जब हमको अधिष्ठान तत्व की ज्ञान हो गया तो जाएगा कहाँ, वो कहाँ जाएगा, रज्जु के ऊपर दिखाई दे रहा था सर को, आपने जा करके सामने देख लिया कि वहाँ पर रज्जु पड़ा हुआ है, अब वहाँ पर सर्पों को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो क्या कहाँ रज्जु में, मतलब जहाँ पे कल्पना हो रहा था अधिष्ठान में मिल जाते हैं। इसी प्रकार अज्ञान जो हम अपने को मान्यता दिया कि हम अज्ञानी हैं, जब धीरे धीरे शास्त्र वेदांत ढीलने वेदांत गुरु सुनते सुनते हमारे स्वरूप में व्यापक बताएगा, अज्ञान कहाँ जाएगा, अपने स्वरूप में कहाँ जाएगा, है था ही नहीं वो वस्तु, कल्पना की तो कल्पित वस्तु अधिष्ठान में प्राप्त करते हैं, इसलिए हमें बोलते हैं कि तत्रैव सा प्रविशति इति चेत, यदि आप ऐसा कहते हैं कि वो वहीं में प्रवेश कर जाते हैं, यदि हम ऐसा कहें सत्य सत्यम जब बोलेगा ना तब समझ सके आधा अंगीकार किया, पूरा अंगीकार नहीं किया, अज्ञान दशा को मान्यता देकर के शास्त्र है, तो अज्ञानी जीव के लिए जब हमको कहना पड़ेगा कि कहाँ गया, तब हम बोलेंगे कि वहाँ पे जो है स्वरूप में अधिष्ठान में लय प्राप्त कर लिया, परंतु वास्तविक वहाँ तीनों का वस्तु वहाँ पर है ही नहीं, यदि कहीं से आया होता तो वहाँ पर लय भी करता, यदि कहीं से आया होता तो कहीं पर लय भी करता, यदि उत्पन्न बोला था नहीं पहले बोल करके प्रपंच यदि विद्य तो निवर्ते तो न संशय, यदि रहता तब उसका निवर्तन होता तो है ही नहीं वहाँ पे, जब दैतम अद्वैत तो परमात्मा है ना, इसलिए अभी बोल रहे हैं तत्र ही वैसा प्रविश्य उसी में प्रवेश कर जाता है, इति चेत यदि हम ऐसा कहते सत्यम अविद्वत दृष्टा तस् तत्र प्रवेश अपि, है ना, अज्ञानी की दृष्टि से इस अवस्था में हमको बोलना पड़ेगा, है ना, अच्छा ठीक है सत्यम है, आपने हमने आपको बात मान्यता दी, अविद्वत दृष्टा अज्ञानियों के दृष्टि से अविद्वत दृष्टा तस्वत अज्ञान तथा अविद्याया तत्र प्रवेश अभी अधिष्ठान भी आत्मा में प्रवेश होने पर भी वस्तु वस्तु दृष्टिया पारमार्थिक दृष्टि से, पारमार्थिक दृष्टि से क्या होता है, वस्तु दृष्टा नाशो तस्मिन प्रवेश भवति, वो जो अज्ञान वहाँ पर प्रवेश कर जाएगा, क्योंकि कमरा हो कोई खाली जगह पर किसी का अंदर प्रवेश करो वहाँ पर ठोस ज्ञान खाना है तो हम कहाँ प्रवेश करेगा ना, इसलिए वहाँ पे ठीक है अज्ञान की अवस्था में मान्यता देकर के तो कहाँ ज्ञान होने से वो अज्ञान कहाँ जाएगा, तो जहाँ जिसके ऊपर दिखाई दे रहा था अधिष्ठान उसी में प्राप्त कर जाते हैं, इसलिए यहाँ पे बोलते हैं अविद्या दृष्टा तस्य तत्र प्रवेश अपि, अज्ञानियों की दृष्टि से तस्य अविद्याया तत्र आत्मनि प्रवेश अपि, अविद्या का अधिष्ठान रूपी आत्मा में प्रवेश करने पर भी वस्तु दृष्टा पारमार्थिक दृष्टि से हम स्वयं ही निर्णय करेंगे, ज्ञान हुए अधिष्ठान तत्व के ज्ञान होने के बाद वो भ्रांत जीव अपने आप ही कहता है जिस समय मुझे वहां पर सर को दिखाई दे रहा था उस समय भी सर वहां पे है कि नहीं, हम निश्चय करते हैं ठीक इसी प्रकार जिस समय मैं आपको अपने को अज्ञानी मान करके जागतिक व्यवहार कर रहा था उस समय भी उस अज्ञान के साथ मेरा कोई संबंध कैसे हो गया है चुजन, मतलब एक बट ए वंडरफुल ड्रामा कैसे हो गया, हमको बोल रहा है तो उसको मानने का निकलने का कोशिश कर रहा है, इसके वहाँ पर तो कोई शास्त्रार्थ नहीं है ना, वो केवल वस्तु तत्व को प्रतिमा जाती वहाँ पर सीधा सीधा वहाँ पर ऐसा करके समझते देखो एक आदमी जो दिखाई देगा इसको हटाओ अपने आप सौ सौ प्रति हो जाए, अभी दृष्टि के तस्य प्रवेश अभी वस्तु दृष्टा पारमार्थिक दृष्टि से न असो तस्मिन प्रवेश अशो अविद्या तस्मिन आत्मनि प्रवेश
प्रभावती न प्रभावती ना यहाँ से रहेगा न प्रभाव हो उसमें संभव नहीं होता, उसका अंदर वो समर्थ नहीं होता। इति आह अद्वय इसको हमने कहा है लास्ट पद अद्वय के तो सर्वदा भेद रही तत्व इति। ठीक है, इस प्रकार से हमारे आपका स्वरूप को निश्चय करो, स्वरूप को निश्चय करो ऐसा करके बोलते हैं तो क्या होगा ये जो है और किसी वस्तु की कल्पना ही तब नहीं होगी। आप लोग जानते हैं कि हमारे छांदोग्य उपनिषद सप्तम अध्याय में नारद सनत कुमार स्वामी नारद जी आगे बोलते हैं सनत कुमार, तो नारद जी आपको बोलते हैं कि हमने आप जैसा शिवनंद भगवान दृश्य प्रचारित शोकम आत्मा विश्व हम भगवान भगवान शोषण तम माँ भगवान शोक स्वपारंतार हेतु। नारद जी से बोलते हैं कि हमने आप जैसा महान व्यक्ति से सुना कि आत्मवेत्ता पूर्व शोक को पार कर लेता, मैं जो औषध कला विद्या का ज्ञाता हूँ फिर मैं शोक करता हूँ आपके मैं मेरे को शोक से पार करने का रास्ता भी करता हूँ रास्ता भी। नारद को एक तुम जो जानते हो ना कि तो नाम मात्र है, ऐसा करते 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 प्राण तक लाए अस्थि भगवो नामादि अस्थि भगवो प्राण ये मनुष्य हुए। इस प्रकार से एक एक करके पीछे करके अब जब प्राण में आ गया तो प्राण में आ गया तो नारद सोचा बहुत कुछ भी आप कहाँ तक पहुँच चुप हो गया। सनत कुमार समझ गया कि प्राण को शरीर में सबसे श्रेष्ठ तत्व देख कर यही आत्मा हो गई, समझ गया प्राण ज्ञान से आप जो है शोक निवृत्ति नहीं हो सकता। तब अपने आप को बोलते हैं सनत कुमार बोलते हैं ये जो तुमने प्राण को शरीर ये श्रेष्ठ तत्व नहीं है, इससे भी एक अच्छा, इससे भी एक अच्छा तत्व तो क्या है तो भूम तत्व को उपदेश करते हैं। तो भूम तत्व को उपदेश करते हैं तो निर्गुण निराकार निर्विशेष अपने महिमा में प्रतिष्ठित। अब ये जो हमने कल्पना करते हैं जितना भी हमने कल्पना किया वो जीव अपने अपने उपयोगिता के अनुसार हम अपने सब कल्पना करते हैं। ये आप जितना भी बोलिए शरीर में कल कब्जा पूर्जा आदि जो भी दिखाई पड़ते हैं अपनी कल्पना शरीर बनाए। और देखो एक चीज यहाँ पे इसको श्लोक को अभी पढ़ते हैं नेक्स्ट यहाँ पे देखिए आनंद गिरि जी ने अगला श्लोक फिर उद्घाट देगा आत्मनो अद्वितीय कथम अनेक ही भावी तस् विकल्पित अभिप्राय अप्रतिपत्यतिष्ठते। देखिए बोल रहे हैं यहाँ पे आत्मन अद्वितीय आत्मा में क्या है सजातीय विजातीय स्वगत भेद कुछ भी नहीं। जब वहाँ पे कुछ नहीं है अकेला एक प्रकार की वस्तु तो अनेक कल्पना हुआ कैसी ये कैसे होना संभव, ये भी बड़ी विचित्र बात है। अभी तो हम बोलते हैं कि बीज रूप में रह करके यहाँ पे तो अजातवाद है, ये तो बीज कुछ नहीं है ही नहीं कुछ वहाँ पे, इसीलिए शंका उठाया कि हुआ कैसे जब एक रस वस्तु में अनेक रस कैसे दिखाई पड़ते हैं, एक रस वस्तु में अनेक रस कैसे दिखाई पड़ते हैं। इसलिए बोलते हैं आत्मनो अद्वितीयत्वे पतेम अनेक भावे तस्य विकल्पितत्वं वो कैसे अनेक प्रकार के भाव उसको विकल्प कैसे हो गए इति अभिप्राय अप्रतिपत्ता मतलब सिद्धांत के अभिप्राय को नहीं समझने के कारण वो सामने खड़े हो जाते हैं प्रत्यवतिष्ठते। यानी कि इस श्लोक में जो श्लोक 19 में आ रहा है उसका पहला लाइन जो है पूर्ववादी के रूप में है और दूसरा लाइन हमारा सिद्धांत के रूप में ऐसा मानता है। इसलिए बोलते हैं आत्मनो अद्वित कथम तीन नंबर टिप्पणी देखिए कथम इति अद्वैत अनेक अभाव कथम अनेक आत्मन प्रतीति जब आपने सजातीय विजातीय संगत भेद कुछ भी नहीं है एकात्मक है तो हमको भी एक ही प्रकार की प्रतीति होना चाहिए। ठीक है ना एक ही प्रकार की प्रतीति। अच्छा बताओ रज्जु तो एक ही वस्तु है, रज्जु एक ही वस्तु परंतु उसके ऊपर माला भूषित्र दंड सर्प जल जलधारा इतना इतना कल्पना कैसे हुई कर देते हैं लोग किसका ऊपर दंड देते अपने मन से अपने मन में जैसे संस्कार बैठा हुआ कल्पना कर देते हैं। इसी गाते बोलते हैं ऐसा शंका होने पर आप श्लोक बोलते हैं प्राणादिभिरनन्तश्च प्राणादिभिरनन्तश्च भावैरेतैर्विकल्पितः भावैरेतैर्विकल्पितः मायैषातस्य देवश्च मायैषातस्य देवस्य यया सम्मोहितः स्वयं प्राणादिभिरनन्तैश्च भावैरेतैर्विकल्पितः मायैषातस्य देवस्य यया सम्मोहितः ये मजेदार शब्द होते हैं। ठाकुर जी कह सकते हैं ना माया की फाग में आकर के ब्रह्म भी रोता है
माया की जाल में फंस करके ब्रह्म भी रोता है। जया सम्मोहितो स्वयं, एक ऐसा संस्कारात्मक वस्तु है जिसके द्वारा स्वयं अपने आप मोहित हो जाते हैं। सामान्य छोटा सा दृष्टांत देकर समझ में आ जाएगा। एक व्यक्ति है, उसका पिता भी है, अपना पुत्र भी है, मोह कहाँ पे अधिक होता है? पुत्र है। क्यों? क्योंकि वो मेरा शिष्ट है, मैंने सृष्टि किया पुत्र को, इसीलिए मोह वहां पर अधिक होता है। केवल स्नेह निम्न का भी प्रयोग करके नहीं, कोई बाहरी व्यक्ति को भी आप स्नेह करते हैं, बच्चे को भी, परंतु वहां भी आप इतना मोहित नहीं होंगे। दो बच्चा आपके आपके बच्चे का ही दोस्त है, दोनों बच्चे को ट्रॉफी देते समय, बिस्कुट देते समय आप ठीक देंगे, परंतु आपका बच्चा बीमार पड़े, दूसरे का बच्चा बीमार पड़े, आपका माइंड को देखो, हाँ एंग्जाइटी अधिक होता है। यानी कि जिस चीज को मैंने सृष्टि किया वो हमारे लिए अपने आप एक मोहजाल बना देते हैं। जया सम्मोहितम स्वयं, ये बहुत शब्द बोला अपन, तो आप व्यापारिक जीवन में खुद देखें जहाँ कहीं भी ये होता है कि हमने जिसको बनाया उसके प्रति हमारा अपने आप एक ममत्व ऐसा अपने आप उत्पन्न हो जाता है, फिर जब उससे हम सम्मोहित हो जाते हैं, वहाँ से निकालना भी मुश्किल पड़ता है, वहाँ निकालना भी मुश्किल पड़ता है। इसी यहाँ पे बोलते हैं प्राणादिभिः अनन्तश्च, प्राण आदि अनंत भावों के द्वारा है। शब्द को तृतीय बहुवचन है, प्राणादिभिः अनन्तैः भावैः एतैः अनन्तैः प्राणादि भावैः एतैः अनन्तैः प्राणादि भावैः आत्मा विकल्पितः। आत्मा अनेक प्रकार से हमने देख लिया, उसी में अनेक प्रकार से हमने देख लिया। जिस प्रकार आपका सुप्तिका के ऊपर कोई चांदी की भ्रांति कर सकता है, कोई शीशा की सोच ठोक सकते हैं, जैसे जैसे हमारे अंदर भावना है ऐसे ही हो जाते हैं हमारे संस्कार। जैसा जाना अनादि काल से जो प्राण धारण करके क्रिया करना विक्रिया इच्छा शक्ति हमारा मन में ऐसा दृढ़ रूप में बैठा हुआ है, फिर हम आगे सृष्टि करते जाते हैं और उसी चक्र में एक बार यदि उस चक्र को आप काट सकते हैं तो पता लगेगा ये कुछ था ही। इसलिए काटने के लिए क्या करना पड़ेगा, निश्चय करो कि इसमें सब इसके साथ हमारा कोई तीनों का संबंध नहीं है। सोते प्राणादिभिः अनन्तैश्च भावैः एतैः विकल्पितः, प्राणादिभिः अनन्तैः भावैः एतैः भावैः आत्मा विकल्पितः। कैसे हो गया, आत्मा तो एक रूप है, अनेक भाव कहाँ से आ जाएगा? जर चेतन स्थावर जंगम 84 लाख भूमि कहाँ से आ जाएगा? सोते माया एषा तस्य देवस्य, वो आत्मदेव का अपने अभी भी क्या पहले क्या बोल के आया था, कल्पयति आत्मना आत्मना आत्मदेव स्वमायाया, अपने को अपृत करके अपने महिमा के द्वारा अपने यहाँ सब चीज को अपने भी कल्पना करते हैं। इसलिए बोलते हैं माया ऐसा कस्य देव से, उसी देवता की माया मतलब एक अनिर्वचनीय शक्ति। माया क्या वस्तु है, माया क्या वस्तु है? अव्यक्त नवनी परमेश शक्ति, जो अव्यक्त है एक परमात्मा ईश्वर ने को ब्रह्म को लेकर परमात्मा की एक शक्ति नाम अनादिरा अविद्या त्रिगुणात्मिका पर, जो अनादि है जिसको अविद्या भी बोलते हैं, त्रिगुणात्मिका है। अर्जुन कार्यानुमेया सुधैव ज्ञेया, वो कार्य के द्वारा आप समझ सकते हैं, इसका सामान्य व्यक्ति भी नहीं समझेंगे, बुद्धिमान व्यक्ति इस माया को कार्य को देख करके माया को समझते हैं। कार्य में इस काम को कभी आपको अपने आप लगेगा, अपने आप लगेगा मैं इस काम को कैसे करती, यही माया था कुछ मोह था हमारे वहां पे, इसलिए हमने ऐसे अव्यक्त नामी परमेश्वर शक्ति अनादिरविचार त्रिगुणात्मिका परम कार्यानुमेया सुधैव ज्ञेया यया जगत इदं सर्वं प्रसूयते, जिससे ये सारा जगत की उत्पत्ति हुआ, यया इदं जगत सर्वं प्रसूयते। अच्छा फिर माया कहाँ रहेगा, किसका आश्रय में रहेगा? परमात्मा तो अधिष्ठान से भिन्न है कि अभिन्न है, ये भी नहीं बोला जा सकता। भिन्न होने से उसका अस्तित्व ही नहीं होगा और अभिन्न होने से कभी मिलेगा नहीं। शांता भी अनंगा भी उभयत्मिकान, वो सावयव है कि निर अवयव अंग है, इसको भी अपने निर्भर कर सकते। महाअद्भुत अनिर्वचनीय रूपा, गिरीश्वरावन में आएगा ना, देखो कितना सुंदर भगवान भाषा का स्मरण। हाँ परंतु क्या, ब्रह्मात्म बुद्धि एक नाश्य, एक व्यापक आत्मबुद्धि से नाशवान भी है,
जनरली अनादि वस्तु शांत नहीं होता, अनादि वस्तु अनंत हो जाए, परंतु एक ऐसे वस्तु ज्ञान की अनादि होते हुए भी ये नाश हो जाता है, इसलिए ब्रह्मांड नहीं करते, बुद्धि से नाश हो जाता है। ये माया ऐसा तस्य देवस्य उस देवता का ये माया है, गया जिसके द्वारा सम्मोहित स्वयं अपने आप ही सम्मोहित से मोहित हो जाता है। अपने कौन मोहित हो गया? देव, वही आत्मदेव। अब हम अपने आप अपने ही रचा हुआ सृष्टि से हम अपने आप मोहित होकर के अपने आप फंस जाते हैं। माया ऐसा, ये माया है, ऐसा माया तस्य देवस्य ऐसा क्यों बोल रहे हैं? सन्निकृष्ट तम वस्तु है, बाहर की वस्तु नहीं है, दूर का वस्तु होता तो जैसा ये इसको हटा सकते हैं, और ऐसा हमारे साथ चिपका हुआ है उसका हटाना मुश्किल है। कार्यालु में है केवल उसका कार्य तब देखे तब समझ में आता, कार्य देख करके ये माया कार्य हो रहा है समझ में, नहीं तो चुपचाप बैठ कर कोई बात नहीं। जैसे ही कार्य होता है नहीं तो बुद्धि आते हैं तो हमको काम कराते हैं, इसलिए बोलते हैं यया सम्मोहितम स्वयं, जिसके द्वारा वो अपने आप भी मोहित होकर फंसा हुआ है माया के इस फंदे में, ब्रह्म गेल करके रोता रहता है, माया के इस फंदे में ब्रह्म करके रोता रहता है, भाई कहाँ तू पहुँच गया, ये क्या हो गया, मुझे क्यों हो गया, यह सम्मोहित, इसको तो अपने आप समझो, यह सम हमारे प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अनुभव है, जहाँ हमने अपने आप कुछ बनाया अथवा अपने आप को विवेक नहीं होने पर क्या हो जाएगा, निश्चित ही वहाँ पर उसके तरह मोहित हो जाएंगे, बस उसको आशक्त हो जाएगा, विवेक नहीं होगा, ये चीज है ना, ये जया सम्मोहित हमारे सारे प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अनुभव आता है। मैं तो छोटा दृष्टान को दिया, सभी चीज में ये लागू होता है। अब जब पूर्ववादी ने ऐसा शंका की, टीका में देखिए, अभी पूर्ववादी ने शंका की, क्या बोलते हैं कि हाँ भी एक रूप, एक एक रूप वाले, एक रस वाले वस्त्र में अनेक रस आया कहाँ से? तब उत्तर दे रहे हैं सिद्धांत स्व अभिसंधि उद्घाटन उत्तर माह, सिद्धांत अपनी अभिसंधि को खोलते हुए अब उसका उत्तर देते हैं, है ना, सिद्धांति स्व अभिसंधि अपने अंदर छुपा हुआ जो रहस्य उसको उद्घाटन मतलब खोलते हुए व्यक्त करते उत्तर हम उसको उत्तर देते हैं। माया तस्य देवस्य यया सम्मोहितम स्वयं, मतलब देवता, देवता क्या स्वयं प्रकाश, नहीं देवता बोले, देवता मतलब सामान्य नहीं सुनना है, तो स्वयं प्रकाश उसके स्वयं प्रकाशता को समझाने के लिए आत्मदेव कल्प होते आत्मना आत्मदेव सम्मान है, पहले स्वयं प्रकाशता को समझाने के लिए ये शब्द प्रयोग किया। अब जो है भगवान भाष्यकार के लेकर के टीकाकार बोला चौदह भागों विभाजन थे, मतलब क्या बोला, ऊपर का पहला लाइन श्लोक के पहला लाइन शंका भाग है और द्वितीय लाइन उत्तर भाग है, इसलिए बोलते हैं चौदह भाग मतलब कि आपका शंका भाग को विभाजन करके समझा कर विभाजन, यदि शंका भाग भाष्य में ठीक है ना, आत्मा एक एव इति निश्चय अथम प्राणादि भी अनंत ही भाव ही एते संसार लक्षण विकल्पित, ठीक है ना, यदि आत्मा हमेशा एक रस ही है, सजातीय विजातीय सकल भेद से नहीं है, यदि आत्मा एक एव निश्चय, ये निश्चय है तुम्हारा सिद्धार्थ में, प्रथम तब कैसे तुम बोलते हो कि प्राणादि भी अनंत ही एते ही भाव, इस प्रकार की भाव वस्तु के द्वारा प्राणादि जो विद्यम देखो, परंतु देखिए एक शब्द है भाष्यकार एडिशनल जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया भाष्यकार ने ऊपर की पंक्ति को लिखते हुए एक शब्द एडिशनल अपनी तरफ से क्या जोड़ा, संसार लक्षण ही, ठीक है ना, बस यही हमारी संसरण की है, तो संसरण के द्वारा लक्षित होता है, मतलब तो संसरण समझ में आता है, क्यों, जिससे जैसे हमने कल्पना की अभाषण प्राणादि भी मतलब अविद्या काम कर्म सब जुड़ा हुआ है, तो इसी का कारण क्या होता है, हमारा शरीर आदि उत्पन्न कर लेते हैं, इसीलिए बोलते हैं कि संसार लक्षण जो संसार के द्वारा लक्षित होता है, इस प्रकार की वस्तुओं को हम कल्पना कैसे कर लेते हैं, विकल्पित कैसे एक पल इसका विकल्पना हो गया, विकल्पित मतलब वस्तु संबंधी वृत्ति मन में उठते हैं, परंतु वस्तु वस्तु वहाँ में है, सर्प की वृत्ति मन में उठी परंतु वस्तु सर्प वहाँ में है, ज्योतिष्ठ में यदि उच्च उसको ऊपर बोलते हैं, सुनो क्या बात है, हमें यहाँ पे ये टीका में उत्तरार्धम उत्तरते न व्याकरति, देखिए कितना सुंदर है उत्तर अभियान पूर्व पर उत्तराधर न अधराणी व्यवस्थायाम संज्ञाया, उत्तर शब्द का तो केवल मात्र व्यवस्था अर्थ में होगा तब वो सर्वाधिक, यहाँ पे देखिए दो बात, एक उत्तर शब्द प्रयोग किया उत्तरार्धम उत्तरते न व्याकरति, ठीक है ना, मतलब क्या उत्तरार्धम का श्लोक की अगला भाग, दूसरा उत्तर शब्द का तो क्या रिप्लाई आंसर ऑफ द क्वेश्चन,
है कि नहीं? उत्तरार्थ उत्तर तेन व्याकरोति, श्लोक के अगला आधा भाग को उत्तरार्थ उसको ध्यान उत्तर के रूप में, शंका के उत्तर के रूप में उसको अभिव्यक्त कर दिया भगवान उत्तरार्थम उत्तर तेन व्याकरोति इति उच्यते। इस शब्द का उच्यते प्रतिक्रिया सुनो सुनो, माया ईशा तस्व आत्मन देवस्व, है ना, वो आत्मदेव का एक ये माया है, मतलब अज्ञानी माया है, उसका नहीं जानता ही माया है। इसलिए माया ऐसा तस्व आत्मन देवस्व, उस आत्मरूपी देव का ये माया है। यथा माया बिना विहिता माया गगनम अति विमल कुसुमिते सफल पराशयी तो तरुभी आकीर्ण विव करोति। क्या बोला? एक जगह पे खुले मैदान पे, पहले जमाने में ऐसा होता था, पहला मैदान पे कुछ नहीं है, वहाँ खाली जगह, तो एक जादूगर आया तो कहते तो अभी मैं सब कुछ करता, क्या करेंगे, अब जमीन पे बीज गाड़ेंगे, फिर ऐसा मंत्र फूके दिए, बीज में से पेड़ निकल आए, पेड़ निकलने के बाद फिर एक मंत्र फूके दिए जिससे फल निकल आएगा, फूल निकल आएगा, फल निकल करके आपको देखे खाओ, खाते देखो, आप खाते देखो ना यहाँ। इस प्रकार जैसे मजाता माया भी यदि ये वास्तविक को कर सकता था तो ऐसा माया तो अपने लिए क्या नहीं बना लेता हो, अपने लिए क्या नहीं बना लेता। एक व्यक्ति ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तो मेरा नाम पतित बाबू, कहते लेकिन तुम पतित बाबू ना तो तुम्हारा दस ऐसा ही होना, मतलब अपने आप ऐसा जो है यदि वास्तविक कर सकता था तब वो क्यों कर सकता है। हमको तो बिल्कुल वास्तविक लगे, बिल्कुल लगे, परंतु वो स्वयं ही जानता है कि ये है कुछ हमारा जादू है, हमारे बुद्धि को कुछ ऐसा फेर देते हैं, जया सम्मोहितम स्वयं, हम उसको देख करके अपने पैसा देख करके मोहित होकर के देखते हैं। इसलिए ये लाइन हमको बहुत अच्छा लगता है, जया सम्मोहितम स्वयं, ऐसा माया की महिमा है और हमने माया को अपनाया, ये अज्ञान को निश्चय नहीं कर पा रहे, इसके तरह मोहित होकर के निश्चय होने नहीं देते हैं। उच्यते श्रेणु माया ऐसा तस्य आत्मन देवस्य, यथा माया बिना जैसे जादूगर के द्वारा विहिता माया, देखिए एक शब्द माया मतलब जिसे विधान किया, जैसे उसको दिखाना जितना दिखाना चाहता है उसको बोला दूसरा कुछ दिखा वो नहीं दिखाएगा, तो दिखाना क्या गगनम अति विमल आकाश में खाली जगह है कुछ भी नहीं है, वहाँ पति कुसुमिते सफल पलाशे, एक अच्छे गुणों के द्वारा फल फूल के साथ एक वृक्ष को उत्पन्न कर, तरु भी पेड़ों से भरा हुआ एक जंगल बना के अकेले में वह करोगी, जैसे कहते हैं तथा अयम भी ठीक उसी प्रकार से वायु आत्मा भी देवस्य माया, उस देव का जो माया है ना, तथा अयम स्वयं अपि मोहित, जिस जया मतलब जिसके द्वारा इस माया शक्ति के द्वारा क्या हुआ, ये अपने आप ही मोहित हो। अरे कभी कभी यह क्या होता है कि कोई व्यक्ति जो है प्यार करके कुत्ता पालते हैं, कुत्ता पालते हैं, अभी आता मेरा एक दोस्त घर में अपना भी बच्चे नहीं होते अथवा क्या करते हैं जैसे भी है वो कुत्ता पालते हैं, तीन तीन चार चार कुत्ता कितना काटते हैं वो, परंतु आशक्ति आपने बताया उठा करके उसको साइन करते हैं, सुई भी लगाते हैं, तो ऐसे ही हाँ ये आप देखना हमारे ये हमारे फूफी की लड़की है और एक लड़की है बेंगलोर में है, अब वो बुढ़ी हो गए, अब कुत्ता पालना उनका तीन तीन कुत्ता है, कितना बार काटते हैं क्या करते हैं क्या मालूम क्या हमने सकता है, ऐसी है तो ऐसा ही जो है ये आत्मदेव का ये माया है, माया भी हो जाए ईश्वर भी पला हुआ है इतना जैसा भगवान आगे जो सुख एक दृष्टान को देंगे ना, तो जिस प्रकार मान लीजिए किसी ने बहुत एक अच्छा बोल नहीं कर कुत्ता पाल रखा है, आप उस मकान में प्रवेश करना चाहते हैं तो आप कुत्ता को कितना भी बिस्कुट मांस खाना पीना दो तो कुत्ता खाएगा पूरा चुप होगा फिर आके घाव होकर जाएगा। उस मकान में यदि आप प्रवेश करना चाहते तो क्या करना पड़ेगा आपको, मालिक को पकड़ना पड़ेगा, मालिक को पकड़ना पड़ेगा, इसके बिना होना संभव ही नहीं, प्रवेश नहीं कर सकता है कुत्ता इतना भयंकर है। इसीलिए बोलते हैं हमारा बिल्ली लिखते हैं वेश्या विलासी माया हमेशा विनाशी छुटे चले जाते हैं, विनाश करना खेलना ही उसका जो है लोग भरने उसका जवाब है, स्वयं अपनी मोहित मोहित अपने आप मोहित हुआ जैसा हो गया ये बात नहीं है, तब तो मुँह पर मिटेगा ही नहीं, मोहित हुआ जैसा मोहित अभी को मोहित भगवती देखो ना, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में क्या बोलते हैं,
देवी की हेषा गुणमयी ममनाया दुरंत ये देवी स्वयं देवत मतलब ईश्वर स्वयं प्रकाश आत्मा की मेरे स्वरूप का देवी की हेषा गुण की गुणात्मिक देवी मम माया ये माया मतलब माया स्वतंत्र नहीं है मेरे मेरे पला हुआ है दुरत्व है जिसमें मम माया दुर इसका अतिक्रमण करना बहुत कठिन है 14 सात नंबर था दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्व है तो इसको पार कैसे करेंगे इसको अपने आप बोलते हैं क्या इसको पार करना बहुत कठिन है तो अपने आप स्वयं उसमें फंसाओ स्वयं अपने पूछा हुआ इति उत्तम ऐसा वहाँ पे कहा गया है यहाँ पे तो जिस यया अयम स्वयं अभी मोहित जिसके द्वारा ये स्वयं अपने आप ही मोहित हो गया है ऐसा लगता है मनो माया दुर्गत है इस लोग जो है कि इसलिए तो भगवान बार बार बोलते हैं मन मना भगवत भक्त मत जाति माम नमस्कुरु माम ही वेश सत्तर के है ना कि बस हर अवस्था में ईश्वर को माया से पार करना है तो जिनकी शक्ति है जिनके पला हुआ ये जीव है उसको पकड़ने से वो उसको बांध लें बांध करके तब आपका अंदर प्रवेश हो जाए तो आप जितना भी कोशिश करें कि उसको जब इसको इसको दे करके भुलाने का बहुत मुश्किल है उतना खा ले फिर भाव ये जो है इसका स्वभाव है मतलब अभिप्राय यही है किसी भी प्रकार से अपने पुरुष का अगर प्रयास आपको करना पड़ेगा एक तो अल्टीमेटली क्या होगा वो एक अहंकार जो परिचिन्न अहंकार हमारे लिए प्रतिबंध बैठा हुआ वो जितना प्रयास के साथ वो अहंकार चलाता है खोलेगा निकाल मानता जाएगा इसलिए अल्टीमेटली आकर के ईश्वर में समर्पण होगा तब जाकर के क्या हो जाएगा भगवान उसको जो है अपने प्रयास आप पहले प्रयास करके देख लेना चाहिए तब भगवान समझ जाएगा कि ये तो किया प्रयास तब ठीक है अब इसको बचाना है अब इसको बचाना है इस प्रकार देखना नए नए तैरना सीखेंगे आजकल में ले जाते हैं लेख आदि तो कुछ देर तक आपको पकड़ेगा फिर आपको क्या करेगा पहले बीच में छोड़ देगा फिर आप हाथ पैर अपने यहाँ भी फैला दे रहे हैं अब जब देखे नहीं कर पा रहे तो पीछे रहते हैं ट्रेनर तुरंत पकड़ देते हैं यहाँ पे ऐसे ही जो है ये संसार सागर में तैरने की हमको सीखना है कि माया रूपी सागर में तैरने के लिए क्या होगा भगवान ले करके हमको छोड़ दिया तो पहले हाथ पैर फैलाएंगे हम परंतु जैसे ही उठते जाएंगे ईश्वर को शरण करेंगे तो भगवान फिर उठा के बाहर कर इसलिए हमें बोलते हैं तेषाम अहम समूर्धरता मृत्यु संसार सागर हवामी नाचिरात्मार्थ मैं आविष्कृत जीव है ना तो ये भगवान का चित्त आविष्कृत होने का क्या भगवान उसको उठा करके संसार सागर से भाग कर इसलिए यहाँ पे ही उपाय है हमारे लिए तो आगे देखिए बोलते हैं माया में वह दृष्टान्त स्पष्ट लेती इस माया को दृष्टान्त द्वारा समझा लेना माया में यथा जैसे माया अभिन विहिता माया गमनो गगन अति विमला कुछ में ते सफल पला से फूल फल के द्वारा पेड़ हो जाए तो फिर आखिरी ना भी पकड़ते पूरा जंगल भर देते हैं तथा यह ठीक इसी प्रकार से आत्मदेव भी जो है शुद्ध आत्मा में जहाँ पे कुछ भी होना संभव नहीं है वहाँ पे 84 लाख भूमि चतुर्दश भुवन ये सारा कैसे कल्पना है शास्त्र इसका उन्मोलन कर माया जया इसको जो ना हम अनेक शास्त्रों का सार जितना विचार करने के बाद उसको देखते हैं ताम एवं माया जन ताम एवं माया कार्य द्वारा स्फोरयति उस माया के कार्य जो विजन कार्यम मेया शुद्ध वही बग गया जैसे भगवान बच्चों का विविध रूप स्पष्ट बोलते हैं वो कार्य अनुमान कार्य अनुमान कहते हैं कार्य को देख करके जिस प्रकार धुआं रूपी लिंग को देख करके वहाँ के अग्नि है आपको समझ आ जाता ठीक है ना इसके कार्य को देख करके आप अनुमान करते हैं कि हाँ इस कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण होगा मैं क्यों ऐसा इसके बोलते हैं यही माया यही माया यही माया इसके बोलते हैं कार्यमया इसलिए बोलते हैं ताम एवं माया उसी माया को कार्य द्वारा स्फोरयति कार्य के माध्यम से समझ में आप उसको स्पष्ट करते हैं एक नंबर टिप्पणी नहीं माया प्रत्यक्ष विषय माया को आपको सीधा सीधा नहीं दिखाई देगा माया कभी भी आपको सीधा सीधा नहीं दिखाई देगा यदि कार्य द्वारा का अधिगति माया के कार्य को देख करके समझ में आता है अधिगति कार्यति मतलब बोध करवाता है उसको देख कर करते यदि गया सम्मोहितम स्वयं जिसके द्वारा आप यहाँ विमोहित होकर
मोहित हुआ नहीं, परंतु हुआ जैसा जथा लौकिको मोहित मोह परवश दृश्यते, जिस प्रकार लौकिक व्यक्ति व्यवहारिक व्यक्ति मोहित होकर के मतलब किसी के प्रति आकृष्ट होकर माइंड इज कैप्टिवेटेड बाई एनीथिंग नो मुख्य दृष्टा क्या होता है मोह परवश दृश्यते, इसका अधीन होकर ही व्यवहार करता है। तो हमारे जगत में कई जगह पर आप देखना ये हो ही जाता है, नहीं चाहते हुए भी हो जाता है। समभाव जो है बहुत मुश्किल है। तथा अयम आत्मा, ठीक उसी प्रकार ये आत्मा स्वयं एवं महा माया संबंधा मोहितो भवति, पहले ऊपर बोलते हैं कि इसी प्रकार से आत्मा जब तक सर्वथा असंगो ही अयम पुरुष परंतु अंतकरण के माध्यम से माया के साथ ऐसा संबंध हो जाता है तो छोड़ना मुश्किल होता है। अंतकरण माध्यम बन जाता है ना बीच में, वो पकड़ लेता है, ऐसा जाल बना देता है कि छोड़ना मुश्किल होता है। तथा अयम आत्मा स्वयं एवं हम तो मतलब अपने लिए बोलता हूँ दूसरे के लिए नहीं, मतलब देखिए ना घर बार मकान दुकान छोड़ कर आया फिर एक ना जाने कैसा घर बार निकल गया, सब कुछ बन जाता है, वो बहुत मुश्किल है। तो इस तरह के पास भगवान बार बार चिंतन करते करते इसको अपने जगह पर रहने दो, और बस आपने ठीक है इस तरह किसी शरीर के द्वारा किसी चीज़ करना चाहते उस भावना को लेकर के उनकी उनकी इच्छा को हम इग्नोर नहीं कर सकते, हम खूब सावधान रहना। इसी मैंने बोला छुंदस्य कार निशिता दुर्गम पटस्थ कठोर के जीवन अकाउंटेबल टू आवर सेल्फ, यू कैन नॉट आस्क एनीथिंग फ्रॉम मी, तो मैं अपना विवेक को क्या समझाऊंगा। तो रामकृष्ण बोलते हैं साधु सावधान, वी बी वेरी केयरफुल यू आर अकाउंटेबल टू आवर सेल्फ, यदि इफ यू आर नॉट क्लियर टू योर सेल्फ नो तो क्या होगा, मैं इस मार्ग में आया अपने को ठहर ऐसा नहीं, क्योंकि विवेक कुल है जाकर तब इस मार्ग में आया और फिर कहीं कुछ गलती नहीं करते, फिर हमको क्या लगेगा, हाँ मैं आपको कोई चल इसलिए जैसा लौकिक मोहित मोह परवश उद्देश्य थे मोह के द्वारा परवश होकर के दिखाई पड़ता है। तथा अयम आत्मा स्वयं एवं माया संबंध है, आत्मा माया के साथ संबंध तो बोलना संबंध हुआ जैसा मोहितो भगवती दो नंबर टिप्पणी। तथा अयम आत्मा, अयम आत्मा एवं स्वयं तथा मोहित, ये आत्मा भी उसी प्रकार लौकिक व्यक्ति की तरह उसी के अंदर बैठ कर तो मोहित होता है, मोहित लौकिक को अयम एवं स्वयं एक मोहित होकर के लौकिक कौन बना, ये आत्मा ही तो बना, शुद्ध तो आत्मा जिसका किसी के साथ कोई संबंध नहीं है, आपके आगे वही आत्मा सर्वनाम बन गया, वही आत्मा तो बने, इसलिए बोलता है मोहित लौकिक को, ये मोह मोह की तरह लौकिक हो गए अयम एवं स्वयं है, ये आत्मा ही इस रूप में दिखाई पड़ता है, इति जानति इसका भी कहते हैं। हाँ तो मोह द्वारा आत्मनि एवं माया अधिगति रीति अर्थ, इसलिए इस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट है, जहाँ कहीं भी आपके मोह को देखोगे कहाँ मन आसक्त हो रहा है अपनी माया की तरह यह समझ वहाँ पर अलर्ट हो दिखाई अतः, इसलिए मोह द्वारा जहाँ कहीं भी कहीं आतंकी अटैचमेंट मोह बोल रहे हैं ना आत्मनि एवं माया, अपने में माया की समझने का कोशिश, दूसरे की माया दिखाने से वो माया भी माया को ये लक्ष्य लगा कि हमको माया से बाहर रहना है, कहीं तुम्हारा लगे क्या करना पड़ेगा, और वो मोह तरह आत्मनि माया अधिगति रीति अर्थ समझ में आता है। इसका भी प्रयोग तीन नंबर टिप्पणी बोलते हैं अतो माया कार्यस्य मोहस्य आत्मनि अनुभूय मानत्वा, है ना, वो देखो वो फंसा वो ये नहीं आपने में देखा, हमको यदि जो फंसा है जहाँ खाओ भाई वहीं पर दवाई लगाना पड़ेगा, हम मुक्त होना चाहते हैं वो मुक्त होना चाहते हैं कि नहीं होना चाहते, उस समय क्या मतलब है, वो मुक्ति चाहते क्या चाहते उसके जीवन के लक्ष्य अलग है, हमारे जीवन के लक्ष्य यदि महामुक्ति है ना आत्मतत्व लक्ष्य क्या है, महामुक्ति आत्मतत्व को यही अपने जीवन के लक्ष्य बनाया, तब हम तद अपने अंदर की माया को अपने आप समझना है। इसी बोलते हैं तब जो मोहत आत्मनि वो माया अधिगति माया कार्य मोहत्व आत्मनि अनुभूय मानता, माया के कार्य मोह है वो अपने में अनुभव में आने के कारण इसी में एक को नाश करना माया मोह हेतुत्तम भगवता भी सुचिता, ये माया जो मोह के लिए कारण है भगवान श्री कृष्ण के द्वारा भी ऐसे ही कहा गया है, माया माया का सृष्टि है ना मोह हेतुत्तम वो मोह के लिए कारण होता है, भगवता भगवता कृष्णेन है ना अभी नारायण अभी सूचित उनके द्वारा भी ये जो सूचित किया गया है हमको हमको दिखाया गया है देवी माया दुर्गत माया माया आज वाला आज वन अजय योगा।
पड़गति चतुर्विभक्तां प्राप्यदेकं ह्यनेकं विविधविषयधर्मग्राहिमुक्तेक्षणानां प्रणतभयविहन्त्री ब्रह्मयत्तन्नतोऽसि।